नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में लागू हुई मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत पुल पुलियों का होगा रखरखाव। 14 जुलाई तक मेरिट लिस्ट के आधार पर 12वीं के बच्चों का स्कूल में मिलेगा एडमिशन। बिहार के बेटे के भारतीय हैंडबॉल टीम में हुआ सिलेक्शन। नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कही ये बात। ये सरकारी कंपनी जियो और एयरटेल के छुड़ाएगी छक्के। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद बुमराह ने किया ये पोस्ट। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय वायु सेना में अग्निवीर के पदों पर निकली भर्ती। भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल कितने पदों पर है इसकी सूचना भी जारी नहीं हुई है। हालांकि आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 जुलाई है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम 17.5 साल और अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कही ये बात। बीते दिन नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र और एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। इनसे अदालत द्वारा पूछा गया कि गलत काम करने वाले छात्रों की पहचान करने के लिए क्या कार्रवाई की है। इसके बाद अदालत ने कहा कि ये एक स्वीकृत तथ्य है कि लीक हुआ है और लीक की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसे हम निर्धारित कर रहे हैं। आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि दो छात्र गड़बड़ी में शामिल थे, इसलिए हमें लीक की प्रकृति के बारे में सावधान रहना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत 23 लाख छात्रों के जीवन से और करियर से निपट रही है, इसलिए ये पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या प्रश्न पत्र का लीक होना इतना व्यापक था कि दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाए। इसके अलावा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा गया है और इस मामले में सरकार से अब तक क्या किया गया है ये भी पूछा गया है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे रामसिला हिल स्टेशन के बारे में। बिहार के हिल स्टेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले रामसिला हिल स्टेशन को कैसे कोई भूल सकता है। ये हिल स्टेशन बिहार के गया जिले में स्थित है। बारिश और गर्मी के दिनों में कई लोग इस पहाड़ी का दीदार करने आते हैं। ये जगह चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेंगी। हालांकि कई लोग यहाँ धार्मिक ख्याल से भी घूमने आते हैं। यहाँ पहाड़ी पर ही एक प्राचीन मंदिर भी है। लोग इस मंदिर को रामेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण वर्ष 1014 ईस्वी में हुआ था। लोग यहाँ पितृपक्ष के दौरान भी अपने पितरों को पिंड दान करने आते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम भी यहाँ पर पिंड चढ़ाने आए थे। बिहार में लागू हुई मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत पुल पुलियों का होगा रखरखाव। बिहार में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की जा चुकी है। इस पॉलिसी के लागू होने से पुलों का रखरखाव सही तरीके से किया जाएगा। पुलों के रखरखाव के लिए विशेष प्रभाग का गठन किया जाएगा, साथ ही इसका हेल्थ कार्ड भी बनेगा। इस प्रभाग के हेड मुख्य अभियंता होंगे। ये अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता की टीम के साथ काम करेंगे और समय समय पर पुल पुलियों की जांच करेंगे। कागजी जांच के साथ ही CCTV भी लगाए जाएंगे और वीडियो व तस्वीर के जरिए भी इसका जांच किया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर विभाग को इसकी जानकारी दी जाएगी। ये सरकारी कंपनी जियो और एयरटेल की छुड़ाएगी छक्के। एयरटेल और जियो व अन्य कई कंपनियों के लोग सिम इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इन कंपनियों का सिम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान ही बढ़ा दिए हैं। इन कंपनियों की मोटी कमाई तो और भी बढ़ गई है, लेकिन एक आम आदमी की जेब पर इसका खर्चा बढ़ गया है। लेकिन इन सभी कंपनियों के अलावा एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ऐसी है जिसकी मोबाइल रिचार्ज प्लान आपके लिए काफ़ी किफ़ायती हो सकते हैं। आज हम आपको BSNL के कुछ चीपेस्ट प्लान की जानकारी भी देंगे। इसमें सबसे पहला 107 रुपये वाला प्लान, इसमें आपको 35 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, साथ ही 4GB 4G डेटा और 200 मिनट की वॉइस कॉलिंग भी मिलती है। इसके अलावा 108 रुपये से में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 1GB डेटा मिलता है। वहीं 197 रुपये के प्लान के साथ 70 दिन की वैलिडिटी और 2GB 4G डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग व पहले 18 दिनों के लिए 100 SMS मिलते हैं। 14 जुलाई तक मेरिट लिस्ट के आधार पर 12वीं के बच्चों को स्कूल में मिलेगा एडमिशन। बीते सोमवार को 12वीं में एडमिशन के लिए पहला मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है।
अब बिहार में 14 जुलाई तक मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया भी चलेगी। स्टूडेंट्स पोर्टल पर जाकर एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे। वे अपने यूजर आईडी के जरिए ही लेटर को अपलोड कर सकेंगे। फिर जो स्कूल उन्हें आवंटित किए जाएंगे वहां वे जाकर एडमिशन ले सकेंगे। इस संबंध में बोर्ड ने कहा है कि जिनका नाम प्रथम मेधा सूची में है वे बच्चे 14 जुलाई तक नया विकल्प भर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स नए स्कूल या संकाय का चुनाव कर सकते हैं। पटना से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा होगी शुरू। पटना एयरपोर्ट केवल नाम का ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहा जा रहा था, लेकिन अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए जाने की बात सामने आई है। यदि पटना एयरपोर्ट पर टर्मिनल का निर्माण होता है तो नेपाल के लिए यहां से सीधी फ्लाइट की सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। साथ ही जापान, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों के लिए भी सीधी विमान सेवा शुरू हो सकती है। बिहार में इन देशों से कई लोग हैं जो बौद्ध सर्किट घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें यहां आने के लिए सीधी विमान सेवा की सुविधा नहीं मिल पाती है। लेकिन इसके शुरू होने से अब लोग सीधे विमान की सेवा के जरिए बिहार पहुंच सकेंगे। संभावित बाढ़ के खतरे के बीच सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण। बढ़ते बाढ़ के खतरे के बीच बिहार की नदियों का सीएम नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण किया है। इसके बाद सीएम नीतीश ने संभावित बाढ़ के हालात को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस सर्वेक्षण के दौरान सीएम भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज के निरीक्षण के लिए भी पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में नदियों के बढ़ते जलस्तर का भी जायजा लिया। चोरी हुए स्मार्टफोन का इस तरीके से कर सकते हैं ट्रैक। आज के समय में अधिकतर लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन से कई काम है जो हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, किसी डॉक्यूमेंट्स का काम हो या एंटरटेनमेंट का काम। अधिकतर चीज़ें स्मार्टफोन से ही होती हैं। ऐसे में यदि हमारा स्मार्टफोन चोरी हो जाए तो हमें ना जाने कितने नुकसान हो सकते हैं। लेकिन चोरी हुए स्मार्टफोन का भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवानी होगी। आप चाहें तो ऑनलाइन FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद आप सरकार के संचार साथी पोर्टल पर जाएं। यहां पर आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आप ब्लॉक योर लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल का विकल्प चुनेंगे। फिर आपके स्क्रीन पर CEIR पोर्टल को ओपन करना होगा। फिर यहां अपने स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी दर्ज करें, फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके जरिए आप अपने फ़ोन को ट्रैक करने के साथ ही इसे ब्लॉक भी कर सकेंगे। नीट पेपर लीक मामले में अमन समेत 5 आरोपियों की CBI की मांग पर बढ़ी रिमांड। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी चिंटू को जेल भेज दिया गया है और बीते दिन 4 आरोपियों की CBI रिमांड भी खत्म हुई है। लेकिन इन आरोपियों को लेकर CBI ने स्पेशल मजिस्ट्रेट हर्षवर्धन सिंह से कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी और 4 दिनों के रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि CBI ने मुख्य आरोपी अमन समेत 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया था। इनसे लगातार पूछताछ हुई, हालांकि अभी भी कुछ सवालों के जवाब जानने जरूरी है। श्रावणी मेला में भाग लेने के लिए इस दिन तक कलाकार कर सकते हैं आवेदन। हर साल आयोजित होने वाले श्रावणी मेला में मनोरंजन के लिए कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बाहर और स्थानीय दोनों कलाकार भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने से पहले कलाकारों को आवेदन देना पड़ता है, जिसके बाद चयनित कलाकार 1 माह तक चलने वाले श्रावणी मेले में अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस साल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कलाकार जारी निर्देश के अनुसार 10 जुलाई तक आवेदन सामान्य शाखा में जमा कर सकते हैं या shravanimela.bhagalpur@gmail.com पर ईमेल के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। ड्रोन से बालू घाटों की होगी निगरानी। ड्रोन के जरिए पूरे घाट इलाके और आसपास के क्षेत्र की समुचित निगरानी की जाएगी, जिससे बालू के अवैध खनन को रोका जा सके। जिन अंचलों से बालू का खनन अधिक होता है या अवैध बालू खनन की शिकायतें देखने को मिलती है, वहां विशेष तौर पर ड्रोन यूनिट की स्थापना होगी। उन इलाकों में ड्रोन की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी जहां बालू के अवैध खनन को लेकर गोलीबारी हुई है या इससे संबंधित शिकायतें सामने आई हैं। सभी जिलों में समुचित निगरानी हो सके इसके लिए सभी जिलों में GPS या DGPS भी लगेंगे, जिससे अवैध खनन से जुड़ी परेशानी का हल किया जा सके। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन का लाभ। प्रधानमंत्री गरीब उन्मूलन योजना का लाभ उठा रहे ऐसे लाभार्थियों पर विभाग जल्द ही कड़ी कार्रवाई करने वाली है।
जिन्हें फ्री राशन के लिए पात्र नहीं माना जाता है। दरअसल फिलहाल देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं, तो वहीं जांच एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि हर राज्य में फर्जी राशन कार्ड धारक हैं। वहीं अब ऐसे लोगों को जांच एजेंसी द्वारा चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन लोगों को योजना का लाभ मिल सके जो उसके पात्र हैं। गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए विभाग किसानों से सीधे संपर्क की कर रहा कोशिश। गन्ना विभाग किसानों तक सीधे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके लिए विभाग द्वारा गन्ना किसानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर अपलोड होगा। विभाग की योजनाओं की जानकारी इसके जरिए किसानों तक पहुँचेगी। इससे गन्ना किसान अनुदान का सीधा लाभ ले सकेंगे। इस संबंध में एक आयुक्त अनिल कुमार झा द्वारा बताया गया है कि गन्ना किसानों से उसके जरिए विभाग सीधा संवाद करेगा। मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विस फॉर सुगर केन इन बिहार एक अनुसंधान संस्थान पूसा की तरफ से तैयार किया जा रहा है। बिहार के बेटे की भारतीय हैंडबॉल टीम में हुआ सिलेक्शन। 18वीं जूनियर मेंस चैंपियनशिप के लिए भारतीय हैंडबॉल टीम में नवादा के रहने वाले मोहम्मद समीम अहमद का चयन हुआ है। समीम नवादा में बड़ी दरगाह शेख टोली के रहने वाले हैं। ये अब भारतीय हैंडबॉल टीम में शामिल होने के बाद जॉर्डन में खेलने जाएंगे। आपको बता दें कि समीम ने अपनी इस मेहनत से बिहार का नाम ऊंचा किया है। अब वे अपने देश के लिए जॉर्डन में खेलेंगे। इनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। इतने कम उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने खुद को संभाला और लगातार प्रैक्टिस करते रहे। अब भारतीय टीम में चयन के बाद इन्हें इनके मेहनत का फल भी मिल गया है। बरसात का मौसम शुरू होते ही पौधारोपण का कार्य हुआ शुरू। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में मनरेगा के तहत जिलों में पौधारोपण का कार्य शुरू कर दिया गया है। 1,77,00,000 पौधे इस साल मनरेगा के तहत लगाए जाएंगे। सभी जिलों को इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम 1,200 पौधे लगाने की तैयारी है। इससे प्रदेश के हरियाली क्षेत्र भी बढ़ेंगे। पौधारोपण का ये कार्य सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की जमीन पर होगा। ये पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। विभाग ने जानकारी दी है कि जीविका के तहत दीदी की नर्सरी से सबसे ज़्यादा 77,00,000 पौधे लिए जाएंगे। आज बिहार के इन जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार में लगातार तेज बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कई जगहों पर तो बाढ़ की स्थिति मंडराने लगी है। आज प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, किशनगंज और अररिया व औरंगाबाद जिले में 1 या 2 स्थानों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री के करीब में और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। जहानाबाद से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब हुए जब्त। जहानाबाद में के घोसी थाना क्षेत्र के उबेर गांव से 228 बोतल और 240 पैक के करीब 223 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। ये शराब तस्करी के लिए गाड़ी से ले जाए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब को बरामद कर लिया है। इस दौरान शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। इस मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष ददन प्रसाद द्वारा दी गई है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस तस्करों का पता लगाने में जुट चुकी है। शराब के साथ जब्त किए गए वाहन का भी पता लगाया जा रहा है कि किसने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा रखा है। रुपौली उपचुनाव का थमा चुनाव प्रचार। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए बीते सोमवार को प्रचार प्रसार समाप्त हो गया। अब 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस चुनाव में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसमें 10 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। बीमा भारती इस चुनाव में एकमात्र महिला हैं। इस चुनावी मैदान में मेन मुकाबला जदयू और राजद के प्रत्याशी के बीच देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ 321 बूथों पर मतदान होंगे। शहरी क्षेत्र में 30 और ग्रामीण क्षेत्र में 291 बूथ बनाए गए हैं। बीमा भारती के समर्थन में पहुंचे तेजस्वी। 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। बीते दिन चुनाव का अंतिम प्रचार था। ऐसे में महागठबंधन से राजद की प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में तेजस्वी यादव रुपौली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीमा भारती के पक्ष में वोट अपील किए। लोगों को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव ने बीते दिन डबल इंजन की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है, हमसे लिख कर ले लीजिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार से बेरोजगार
बेरोजगारी हटे, नौजवान के हाथ में नौकरी और काम, उसकी लड़ाई तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। आगे उन्होंने जनता से सवाल किया कि तेजस्वी के हटने के बाद कौन सी नौकरी मिली बताइए। बिहार में जब तेजस्वी था तब 3 महीने में नियुक्ति पत्र मिल गया, किसी परीक्षा में बेईमानी नहीं हुई ना पेपर लीक हुआ। तेजस्वी यादव के लगातार सरकार के विरोध में आ रहे ट्वीट पर जदयू का पलटवार। तेजस्वी यादव इन दिनों ट्वीट के जरिए सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर हैं। कभी वे पुल टूटने के मामले पर, कभी महंगाई, गरीबी, अपराध और बेरोजगारी के नाम पर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब इसी को लेकर जदयू के नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। जदयू MLC नीरज कुमार ने कहा है कि ट्विटर पर हमला करना तो अलग चीज है, लेकिन कार्रवाई पर क्यों नहीं बोलते हैं? हिम्मत है तो बताएं ना कि किस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। जब आप राज्य में थे तब भी कार्रवाई होती थी, भय का वातावरण है, तो कैसे तेजस्वी यादव शाम में पूर्णिया चले गए? अपने माँ बाप का कार्यकाल याद है, कोई कहीं जा भी नहीं पाता है, और हमारे राज्य में देखिए शाम में गए हैं पूर्णिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1875 में बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1925 में भारतीय सिनेमा के सबसे सशक्त अभिनेताओं और बेहतरीन निर्देशकों में सुमार गुरुदत्त का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1938 में अपने सशक्त अभिनय से हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाने वाले अभिनेता संजीव कुमार का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1951 में देश में पहली पंचवर्षीय योजना को प्रकाशित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1969 में वन्य जीव बोर्ड ने शेर को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, हालांकि आगे चलकर शेर की जगह बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद बुमराह ने किया ये पोस्ट। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इसमें गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का योगदान सबसे अहम रहा है। बुमराह के इस प्रदर्शन को देखते हुए कोहली ने भी इन्हें 8वां जुबा कह दिया। बुमराह के सर से भी अभी तक T20 वर्ल्ड कप की जीत का खुमार उतरा नहीं है। इसकी जानकारी बुमराह के एक पोस्ट से आपको लग जाएगी। बुमराह अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट में लिखा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कृतज्ञ हूँ, मैं अपना सपना जी रहा हूँ, इसने मुझे खुशी और कृतज्ञता से भर दिया है। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे भारतीय सरकार द्वारा लागू किए जा रहे संचार निगम के बारे में। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे एक फोटो के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नए संचार नियम के तहत सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल की निगरानी करेगी। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए गए हैं। ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर को PIB ने भी फेक बताया है। व्हाट्सएप पर दिख रहे ब्लू रिंग का जाने कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल। व्हाट्सएप पर इन दिनों आप एक ब्लू रिंग को देख रहे होंगे। ये एक मेटा AI का बहुत ही एडवांस AI मॉडल है। इसकी हम सभी को जानकारी है, लेकिन ये कैसे काम करता है, हम में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जब आप व्हाट्सएप पर जाते होंगे तो स्क्रीन पर दाएं साइड में एक छोटा सा ब्लू रिंग नज़र आता है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो चैट सेक्शन में पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप इसमें कई चैट के जरिए कई सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको AI की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे में आपको कुछ भी सर्च करने के लिए बार बार गूगल पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसके जरिए भी अपना सवालों का जवाब पा सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे ज़रूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही उत्तर है बिहार। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ऑप्शन ए है मनोज कुमार सिंह, ऑप्शन बी है विद्युत रंजन, ऑप्शन सी है CS सेट्ठी, ऑप्शन डी है दिनेश त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है विद्युत रंजन। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है हिंदी। इसका सही उत्तर है पाली। अंग्रेजों ने बिहार में पहली फैक्ट्री किस वर्ष लगाई थी? ऑप्शन ए है 1638 ईस्वी में,
ऑप्शन बी है 1648 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1658 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1678 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1658 ईस्वी में। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है विनोद, महात्मा, अंशु, प्रिया, मोहम्मद अफजल, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद असगर, कमाल, कुश कुमार यादव, राम बाबूदास, रवि कुमार राम, देवेंद्र प्रसाद, संजीव कुमार अनवर, करीम खान, संजय कुमार, गोनर शर्मा, विकास कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बढ़ते रिचार्ज प्लान्स को देखते हुए आप किस कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।